यहाँ पे मोर है, काफी अच्छा सीन है, आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी आप लोग हमको देख पा रहे हो, अभी हम अपने मामा के गांव में हैं और आप लोगों को कुछ दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गन्ना है जो हमसे काफी बड़ा है, जो कि हमारी लंबाई भी काफी ज्यादा है। आप देख सकते हो हमसे करीब दुगुना लंबा गन्ना है यहाँ पे देख सकते हो, जो कि अभी हमें शाहबाद के पास में, और हमारे साथ में विवेक, हाय बोल दो। हाय। तो दोस्तों सभी का एक बार स्वागत है हरदोई वाले यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को जो भी देखने वाली चीज होगी यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी हमने आप लोगों को गन्ना दिखाया, आप लोगों को इस गांव में एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप लोगों को आम की खेती बहुत ही ज्यादा मिल जाएगी, जिधर भी नजर जाएगी आप लोगों को आम के बाग आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आम बहुत ही आप लोगों को मिल जाएंगे। विवेक भाई ये चीज बताइए, यहाँ पे कौन कौन से आम मिल जाते हैं गर्मियों के सीजन में? दशहरी है, लंगड़ा है, बम्बई है और तमाम प्रकार के आम हैं। जितनी भी क्वालिटी होती है आम की वो सभी आप लोगों को इस गांव में मिल जाएगी, जो कि अभी हमें शाहबाद में। यहाँ पे आम की खेती बहुत ही जबरदस्त तरीके से होती है और कभी गर्मी में आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे आम कितने ज्यादा लगते हैं। अभी तो बोर आना शुरू हो गया और भी आप लोगों को दिखाएंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, जरा सा भी इसकी मत कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो सरसों काट रहे हैं, जो कि बहुत ही मजा आ रहा होगा। इनको पूछते हैं, मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। इस साल की सरसों कैसी हुई आपके यहाँ? मेरे यहाँ बहुत अच्छी सरसों हुई, यहाँ भी मेरी अच्छी है और नीचे वहाँ भी अच्छी है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे मामा के लड़के यहाँ पे सरसों काट रहे हैं। एक लोग यहाँ पे देखो ये कलेवा जैसी खाने के लिए अपने ट्राली के ऊपर गन्ने के ऊपर रखवाली कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो भैया बहुत अच्छा, देख सकते हो विवेक के पसीना निकल आया है, देखो अभी काम किया है। और यहाँ पे इनकी सरसों ये देख सकते हो, इस साल की सरसों कैसी रही आपकी? मेरे यहाँ बहुत अच्छी सरसों है। तो इसमें कितना निकल आएगा सरसों? देखो वही निकल आएगा 3 क्विंटल। 3 क्विंटल निकल आएगा, जो कि बहुत ही यहाँ पे मेहनत करते हैं। और लगभग 1 बीघा है, 1 बीघा में 3 क्विंटल है। इसमें क्या निकल, इससे क्या होता है बताओ? तेल बनेगा। काहे का तेल का नाम बताओ? अरे सरसों का तेल, जिससे दोस्तों खाना बनता है, जो पीला पीला तेल होता है उसी वही होता है। यहाँ पे पेड़ देख सकते हो, बाकी तो सभी लोग देहात से जानते होंगे। जो विदेश से हैं, जिनके यहाँ पे सरसों नहीं होती है, वो लोग देख सकते हो ये सरसों का मतलब पेड़ है, इससे कड़ुआ तेल बनता है और उसी से खाना एकदम स्वादिष्ट बनता है, ऐसा ना? हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल तेल है, समझ ये ओरिजिनल तेल है, बाकी डिब्बे वाला तेल नकली होता है। उसको खाने से शरीर में कई बीमारियां भी हो जाती हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। और असली तेल खाना चाहिए, असली वही होता है जो अपनी सरसों खरीद करके जो पेराई कराओगे वही ओरिजिनल तेल होता है, ऐसा ना? तेल खाओ और बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ और तंदुरुस्ती दिखाओ, और तंदुरुस्ती दिखाओ बस, और क्या। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो, अभी हम सुकेता का किनारे बिल्कुल आ चुके हैं। यहाँ पे सुकेता है, जो कि आप देख सकते हो वो पानी दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हम जब भी मामा के गांव में आते हैं और सुकेता के किनारे यहाँ पे जरूर आते हैं। छोटे पे भी यहाँ पे आते थे और यहाँ पे देख सकते हो काफी यहाँ पे बेरियां हैं। आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सब बेर के पेड़ हैं। यहाँ पे देखो ये सब बेर हैं और आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं, काफी अच्छे मीठे मीठे और लाल लाल बेर लगे हैं। आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरे से, फिर अभी तोड़ेंगे, फिर इनको खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसा स्वाद है इनका, ठीक है? तो दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से कि कितने यहाँ पे बेर लगे हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये बेर लगे हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखो ये बेर हैं, हमारे मामा के गांव में बहुत सारे यहाँ पे बेर हैं। आप देख सकते हो काफी बेरियां हैं यहाँ पे, और जो कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पे बेर लगे हैं, एकदम लाल लाल पीले पीले लगे हैं। ये देखो दोस्तों अभी हम बेर तोड़ते हैं, जो कि यहाँ पे काफी गहरी खाई है, और देखते हैं प्रयास करते हैं कि ये मीठे वाले बेर तोड़ पाते हैं या नहीं। तो वीडियो को जरा सा भी इसकी मत कीजिएगा, हम तोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? जो भजन पूरा रुक गए, देखो अब देखो धीरे से प्यार से, ये देखो जुगाड़ से सब काम होता है भाई। डराती के हाँ भगाई, और आगे वाले पकड़ तो तू पकड़ लेगा खाते वाले। ये देखो हमने बेरिया का पूरी डांड पकड़ ली है, जो कि इसमें करोड़ों बेर लगे हैं एकदम मीठे मीठे वाले। यहाँ पे आसानी से कोई नहीं यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि हमारा वजन 60 किलो है, अगर ये टूट जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हो ये हमने यहाँ पे जुगाड़ द्वारा कोई रस्सी नहीं, पूरी डांड को खींच लिया है। रुक जाइए, कैमरे को जरा नीचे चलाओ, दोस्तों को दिखा दो कि इसमें कितने बेर लगे हैं। देखो आ गया ये गोचा कहाँ रहे हो? ठीक बढ़िया फांस ले यहाँ पर, फिर तोड़िए हम।
ले तो छोड़ दे जाइए ना सेब तरह भाई एकदम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एकदम जैसे सेब नहीं होता है। अरे चलो वो दिक्कत हुई यार जाइए ना ये देखो देखो ये कितनी बढ़िया ये दोस्तों देख सकते हो कैमरे में कितने अरे देखो कितने अच्छे पीले पीले लाल ललू से बेर बेर हैं ये जो कि ये एकदम फ्री में हमको यहाँ पे मिल गए हैं जुगाड़ दौड़ा तोड़ लिए हैं और जो जहां से हमने तोड़े हैं यहाँ से शायद भी कोई नहीं तोड़ पाता। लो ये 5 रुपए के इतने हैं हमने कर लिए थे हरदोई में। दूर ये देखो यहाँ पे हमने थोड़ी सी डांट काट ली जो कि इसमें सभी पके हुए बेर हैं। पकड़ो इसको तुम यार खाते हो यार अकेले अकेले गटक रहे हो। अरे बिल्कुल एकदम दोस्तों जैसे बर्फी नहीं होती उस तरीके से इसके अंदर स्वाद है मजा आ रहा है गजब। एक डांट ये काट ले जय वाली काटो अब इधर वीडियो में दिखाइए जरा। अरे मजा आएगा यार बेर अब ये हिल गया सब बेर यार बहुत ताबू ये देखो अब भाई वीडियो बढ़िया बन रहा है सही यार एकदम गजब कि एक अब थोड़ी ना करे एक फोटो थंबनेल में ऐसे लगे बोल के ऐसा करके ये जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये सुखेता है जो कि पानी इसमें कभी नहीं चुकता है हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ। और अभी आप लोगों को फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा अभी ये लोकेशन आप देख सकते हो ये मेरे मामा के गांव का कुछ सीन है और अभी हमने ये बहुत खतरों से यहाँ पे बच करके हमने इतने बेर इकट्ठे कर लिए तोड़ लिए हैं। दूरी और भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आप जितना भी आपकी निगाह जाएगी यहाँ पे देख सकते हो ये सब बेर ही बेर हैं। 10-20 कुंटल आपको बेर यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि अभी सावात के पास में हैं। आप देख सकते हो विवेक जरा जूम करके दिखाना है यहाँ पे ये देखो जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी सब बेर ही लगे हैं जो कि यहाँ का दृश्य एकदम मजेदार है। कल हमने करीब 250 ग्राम बेर हरदोई में लिए थे वो करीब 15-20 रुपए के मिले थे। यहाँ पे आप फोकट में बेर खा सकते हो देख सकते हो यहाँ पे कितने बेर लगे हैं वो करीब 2-4 किलोमीटर तक आप जाएंगे सब बेर लगे हैं जो कि बहुत ही एकदम मैं बेर खा के आपको बताता हूँ। वाह क्या मजा है एकदम जैसे बर्फी रबड़ी फेल है इसके आगे एकदम मजा आ गया। अभी हम शाहबाद को जा रहे हैं जो कि मेरे मामा के गांव से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है शाहबाद और दोस्तों चलते हैं और आप लोगों को शाहबाद का कुछ नजारा दिखाते हैं। तो आप लोग यहां का व्यू देख सकते हो इधर पूरा आम का बाग है जो कि एकदम घना जंगल जैसा दिख रहा है यहां पे आम की खेती होती है। और पीछे आप देख सकते हो ये हरदोई को यहाँ से जीटी रोड गई है जीटी रोड होते हुए जो कि यहाँ इधर इधर को चली गई यहाँ पे देख सकते हो इधर शाहबाद की तरफ जो कि यहाँ से शाहबाद की दूरी है 4 किलोमीटर। दोस्तों चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं शाहबाद का कुछ नज़ारा। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो अभी हमें सब्जी मंडी में और यहाँ पे विवेक सब्जी खरीद रहे हैं मतलब अदरक यहाँ पे ले रहे हैं और ये नज़ारा कुछ है शाहबाद सब्जी मंडी का। अभी यहाँ पे टिक्की खा रहे हैं जो कि हमारे साथ में विवेक और ये सीन है अभी शाहबाद का कैसी है तो अभी हम यहाँ पे टिक्की खा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने यहाँ पे देख सकते हो जींस की पैंट खरीद ली है और अभी हमें शाहबाद में इन भाई साहब के यहाँ पे खरीदी है। अपनी दुकान का नाम बताओ विकास मौर्य रेडीमेड कलेक्शन जो कि शाहबाद कहाँ पे पड़ती है दुकान अगर कोई आना चाहे तो आंजी स्टेशन टुलमुखी चौराहा के पास में हमने अभी ये जींस की पैंट ले ली है जैसा कि आप देख सकते हो और अभी हमें शाहबाद में और हमारे साथ में अभी है विवेक जो कि मामा के लड़के हैं और हम दोनों लोग अभी टहलने आए थे अभी शाहबाद में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये सुकेता का कुछ सीन है बहुत ही गजब का यहाँ पे सीन है आप लोग देख सकते हो। इस पे ट्रेन चलती है और इधर है हरदोई हरदोई से ट्रेन होती हुई इधर को आप देख सकते हो इधर दिल्ली को तरफ को जाती है यहाँ से जो कि काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का बहुत ही काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और देखिए आप लोगों को चारों तरफ दिखाते हैं एक उधर वो ट्रेन निकलती है इधर से और एक ये यहाँ से निकलती है जो कि इधर पानी का व्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और अभी हमें अपने मामा के यहाँ पे जो कि हमारे मामा का गांव पड़ता है शाहबाद के पास में और आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरे से। ट्रेन आने वाली है इस पे आप लोगों को दिखाते हैं लाइव देख सकते हो ये ट्रेन आ रही है
जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों को लाइव अभी दिखाया, जो कि अभी ट्रेन यहाँ से निकली थी। हमको ट्रेन देखने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस में वहाँ पे बसें चलती हैं। और हमारे यहाँ पे हरदोई से, जो मतलब अभी हम शाहबाद के पास में आए हैं, यहाँ पे बहुत ही पड़ोस में जैसे हमारे यहाँ बसें चलती हैं, वैसे यहाँ पे ट्रेनें चलती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन गई है इधर, जो कि ये दिल्ली को भी गाड़ी गई है हरदोई से होते हुए। और काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा था, अभी हमने आप लोगों को लाइव दिखाया, जो कि अभी ट्रेन इस पटरी से होते हुए दिल्ली को गई है। दोस्तों अभी आप लोगों को और भी नीचे जाकर के दिखाएंगे, यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू है। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो अभी जो पटरी यहाँ पे गई है लोहे की, आप देख सकते हो, और उसके नीचे पत्थर का जो पड़ा है, करीब 15-20 साल पहले यहाँ पे पत्थर का नहीं पड़ा था, वो पड़ा था यहाँ पे लकड़ी का। वो लकड़ी कौन थी और उसका क्या नाम था, ये विवेक बताएंगे। बताइए क्या नाम था उसका। वो कोरम की थी लकड़ी, कोरम की लकड़ी थी वो। मतलब कैसी दिखती थी पहले, मतलब उसपे दोस्तों कितना भी पानी गिरे, मतलब 10-15-20 साल में ऐसा नहीं कि वो लकड़ी खराब हो जाए, सड़ जाए, कभी भी सड़ती नहीं थी। साल पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं, 500 साल तक पड़ी रहे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। वो लकड़ी फिर दिखाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो एक पड़ी हुई है, ये कभी ये मतलब बची पड़ी हुई है ये लकड़ी, आप देख सकते हो। और ये अभी तक पता नहीं कितना साल हो गया होगा, अभी तक यहाँ पे सड़ी नहीं है। और आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, ये देख सकते हो ये लकड़ी का कुछ ऐसा लुक है, जो कि अभी यहाँ से ये देखो ये लकड़ी अभी पड़ी हुई एक बची है यहाँ पे, बाकी सब लोहे की, मतलब उसकी सीमेंट मोरंग की बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पे ये लकड़ी है जो कि एकदम लगता है कि सड़ी है, लेकिन इतना पौड़ा है अभी, ये मतलब घुना होना या ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हो नजारा इसका, इस लकड़ी का नाम है कोरम। और अभी देखेंगे तो ये सब पत्थर की पड़ गई है, यहाँ पे देखेंगे ये सब जितने भी यहाँ से हरदोई दिल्ली बम्बई जाएंगे, सब आपको सीमेंट मोरंग की मिल जाएंगी। लेकिन पहले पता नहीं इतनी लकड़ी कहाँ से आती थी। एक ट्रेन आ रही है, आप लोगों को लाइव दिखाते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। देखो अभी ट्रेन आने वाली है और यहाँ पे ये ट्रेन आ गई है, लुक था, बहुत ही मजा आया यहाँ पे। अभी देखो ट्रेन निकल कर चली गई है, और आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे एक और अच्छी बात बताऊंगा। विवेक यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये दो जूते पड़े हैं। ये कैसे मतलब यहाँ पे पड़े होंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे दो जूते पड़े हैं, कैसे पड़े होते बताओ। पता नहीं किसी ने फेंक दिए होंगे शायद, दोस्तों जो खिड़की पे लोग बैठते हैं और मौज मस्ती के लिए बैठते हैं, शायद उनके खसक गए हैं, इसीलिए यहाँ पे दो जूते पड़े हैं, जो कि एकदम पता नहीं कौन कंपनी के हैं, पता नहीं हमको है और इसीलिए खिड़की पे नहीं बैठना चाहिए, गाड़ी आड़ी ट्रेन पे सफर करना चाहिए, क्योंकि आदमी भी नीचे को खसक सकता है। और यही कुछ नजारा है यहाँ पे शाहबाद के पास में, अभी हूँ अपने मामा के गांव में, और ऐसा कुछ नजारा है यहाँ पे, देखिए गजब का यहाँ पे व्यू आ रहा है। अभी हम अपने गांव में आ चुके हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कल हम अपने मामा के यहाँ गए थे और आप लोगों को वहाँ का कुछ सीन दिखाया, और अभी ये कुछ सीन आप लोग देख सकते हो हमारे गांव का है। और इधर है कस्तूरबा गांधी स्कूल, आप देख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो कल वाला अच्छा लगा होगा, जो हम मामा के यहाँ गए थे, हमने आप लोगों को वहाँ पे सुकेता, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे गाड़ी वगैरह चलती है ट्रेन वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा सीन लगता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे हरदोई वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस चैनल पे हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।